सो गाइस, मेकअप में हमेशा फेस में एक सिमेट्री लाना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग जब भी कॉन्टोरिंग करते हैं, हाइलाइटिंग करते हैं, क्यों करते हैं कि हर एक फेस शेप को ओवल फेस शेप दिखाने की कोशिश करते हैं, एक सिमेट्री लाते हैं। तो सिमेट्री मतलब क्या? तो आप लोगों को क्या करना है, तीन मेजरमेंट्स लेने हैं आपके फेस पे, फॉरहेड से लेके आईब्रो के बीच तक, यहां से लेके आपके नोज के एंड तक, और नोज से एंड से लेके चिन के एंड तक। तो अगर आप लोग मेरा फेस देखोगे तो मेरा ये वाला मेजरमेंट, नाक मेरी थोड़ी सी, नोज थोड़ी सी छोटी है मेरी, और फिर ये, तो फॉरहेड जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मेरा ये वाला सेक्शन है। तो मतलब ये और ये एकदम इक्वल है। तो मैं जब भी कॉन्टोरिंग करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पे कॉन्टोरिंग नहीं करूंगी, यहां पे कॉन्टोरिंग नहीं करूंगी, क्योंकि एकदम सिमेट्री है। सिर्फ नोज मेरी थोड़ी छोटी है तो उसको मैं सिर्फ लॉन्ग करूंगी मेकअप से, और कॉन्टोरिंग मैं सिर्फ यहाँ पे साइड में ही करूंगी, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को आपका कॉन्टोर लेना है, तो नोज मुझे लंबी दिखानी है, तो लंबी नोज अगर आपको दिखानी है तो आपका आईब्रोज के कॉर्नर से आता है और यहां पे एंड होता है, कॉर्नर से लेके यहां पे। तो एक्चुअली मैं अपने नोज को लंबा नहीं कर सकती हूं, बट मेकअप से मैं एक इल्यूजन क्रिएट कर सकती हूं कि मेरी नोज लंबी है। तो ये ब्रश जो मैं यूज कर रही हूं वो है प्रो इफेक्ट्स का 0053 नोज कॉन्टोरिंग का ही ब्रश है, और यहाँ पे आप लोगों को इसको करना है। तो अगर आप लोग मेरा बिफोर आफ्टर देखोगे तो ऐसे लग रहा होगा अभी, ओके। तो मैं क्या करूंगी, अभी नोज को सिर्फ साइड से ही, यहां से और यहां से ही मैंने कॉन्टोर किया है, ओके। यहां से कट नहीं किया है क्योंकि मेरे को नोज शॉर्ट नहीं दिखानी, मेरे को मेरी नोज लॉन्ग दिखानी है। सिर्फ ये दो लाइंस, और दो लाइंस भी आईब्रो के नीचे से ही आएंगे, ताकि जब भी इल्यूजन एक क्रिएट होता है, जब भी कोई भी देखता है कि नोज मेरी लॉन्ग है, क्योंकि मैंने यहां से उसको कॉन्टोरिंग किया है, ओके। और फिर यहाँ पे आप लोग हाइलाइटिंग करते हो, यहाँ पे बीच में भी आपका हाइलाइटिंग आता है। अभी भले ही मेरी नोज शॉर्ट है, बट क्योंकि मैंने यहां से कॉन्टोर किया तो नोज भी अभी लंबी लग रही है, और फिर एक फेस में सिमेट्री दिखता है और मेकअप बहुत ही प्यारा दिखता है। मतलब मेकअप होने के बाद फेस बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि आपने समझ के मेकअप किया है, ओके। अगर आप लोगों का फॉरहेड बहुत ज्यादा बड़ा है और चिन आपका, अगर आप यहाँ पे आए तो ये इक्वल नहीं है फॉरहेड और चिन। आपने देखा कि अरे ये जो पार्ट है ये इतना ही है मेरा, ये इतना ही है, बट फॉरहेड मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे भी कॉन्टोर करना होता है, फॉरहेड भी आपको यहाँ पे बीच में भी कॉन्टोर करना होता है। ऑब्लॉन्ग फेस है अगर आपका, मतलब आप लोगों का लंबा ज्यादा है फेस, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, साइड में कॉन्टोरिंग नहीं करोगे, आप लोग सिर्फ यहाँ पे कॉन्टोर करोगे और यहाँ पे कॉन्टोर करोगे, चिन कॉन्टोर कर दोगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप लोग फॉरहेड का बीच का पार्ट, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आप लोग कॉन्टोर करोगे। अगर हार्ट फेस शेप है तो आप लोग हमेशा ये वाला, तो हार्ट फेस शेप है आपका, तो गाइस हमेशा ये वाला आप लोग कॉन्टर करोगे, ये वाला पार्ट, ये ज्यादा होता है। अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन की फेस शेप को कैसे पहचाना है तो नीचे मुझे बताना गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे फेस शेप को पहचानना है। तो अगर आज का ये वाला सिमेट्री कैसे करना है क्रिएट और कैसे मेकअप करना है, ये अगर आपको ठीक से समझा है तो नीचे कॉमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना गाइस, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। बाय, सी यू ऑल।